वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। खूबसूरत से हमने फ्लावर्स बनाने सीखे और यहाँ पर जो मेरी टॉप पिक है वो एक छोटी सी चीज़ है मगर बड़ी कारामद चीज़ है। दिस इज़ बेसिकली अ लिड, यानी कि ये सिलिकॉन का बना हुआ एक ढक्कन है और ये बेसिकली एक जापनीज़ शॉप से मेरी मदर लॉ मेरे लिए लेके आई थी। एंड जब से मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसको मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि कभी आप पानी पीते हैं, अक्सर आपको होता है कि भाई आधा ग्लास पी लिया या क्वार्टर ग्लास पी लिया, उसके बाद एज इट इज़ वो ग्लास रखा हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज कवर दिस। अब अगर ग्लास के साथ ही रखा हुआ है, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बैठ के आप पानी पीते हैं वहाँ पर रखा है, तो यू विल ऑलवेज कवर। बट इस सिलिकॉन के कवर को मैं एक और तरह से भी इस्तेमाल करती हूँ। कभी अगर आपको टी बैग वाली चाय पीनी है और आप कहते हैं कि टी बैग वाली चाय अच्छी नहीं होती है, एंड इफ़ यू लाइक दम वाली चाय, तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि कोई सा भी टी बैग एक कप में आपने शामिल किया, गर्म खोलता हुआ पानी अगर तो आपके डिस्पेंसर में ये सिस्टम ऑन है तो आपने वहाँ से जो है वो ऐड कर लिया, या फिर आपने पानी को बॉयल करके केटल से या किसी भी चीज़ से आपने वो शामिल कर लिया। उसके बाद क्या करती हूँ मैं कि उसको माइक्रो में नहीं चलाती, बिकॉज़ अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो पानी को गर्म करके टी बैग डाल के उसको माइक्रो में चलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चाय उससे पक जाती है, आई लव दम की चाय, तो मुझे मज़ा नहीं आता। सो आई पुट दिस ऑन टॉप फॉर 30 seconds to 1 minute, उसके बाद बस वो निकाल लिया अलग से। दूध जो है उसमें मैं गर्म करके यूजुअली डाल लेती हूँ, एंड देन एक परफेक्ट सी खूबसूरत दिखने वाली चाय जो है वो तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। मज़े की बात ये है कि देखिए इसको इसको इस तरह से निकालना जो है ना एक टास्क है, यानी कि ये एयर टाइट करता है आपके कप को, तो अच्छी सी भाप जो है वो बन जाएगी। सो आई यूज़ इट फॉर दैट पर्पज़। ये थी आज की टॉप पिक जो मैंने आपके साथ की शेयर। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ ये बात भी करना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हिसाब से जो आज हमने बात की, जैसे कि डॉक्टर निदा ने भी कहा कि सिर्फ अक्टूबर नहीं है वो मंथ जिसके जिसमें आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को बच्चियों को सारे वो सिम्टम्स बताएं, उनको अपने आप से इतना फ्रैंक करवाएं कि वो आपके साथ जो है वो शेयर कर सकें। कोई भी अगर सिम्टम डिवेलप होता है अपने आप को एग्ज़ामिन कर सकें। इसकी अलामात मोस्टली दर्द के बग़ैर होती हैं और एक इंसानी फितरत है कि जब तक हमें दर्द नहीं होता हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। सो सिंस दर्द के बग़ैर होती हैं, कोई भी डेवलपमेंट आप अपनी बॉडी में फील करें प्लीज़ उसको मॉनिटर करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, शायद आप इस तरह सोचते हैं कि फ़ीस देनी पड़ेगी ज़्यादा और फ़ायदा होगा नहीं होगा, तो वेल सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि डॉक्टर आपको बता दे कुछ नहीं है, वो तसल्ली वो इत्मीनान, बजाय इसके कि आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करें और बाद में कोई ऐसी स्टेज आए जिसमें आप कहें कि काश मैं पहले चला जाता। एंड इसके साथ जो एक शेम एसोसिएट होता है, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे बहुत सारे स्पाउस को, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स को देखा है जो वाइफ को इतना सपोर्ट करते हैं व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। और एक बार मैंने अपनी सास के साथ ये चीज़ शेयर की थी कि अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ ऐसा हो तो मेरे हस्बैंड कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे ये वो, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप किसी के साथ इस तरह का कोई दर्द शेयर करती हैं और आपकी ये जर्नी होती है, तो पहली बात तो ये कि रिलेशनशिप एक्चुअली यही होता है, और दूसरी बात ये कि इससे आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो प्लीज़ घबराए नहीं, शर्माए नहीं, आई होप आपको कभी ना फेस करना पड़े, लेकिन क्योंकि इतना प्रेवलेंट है, इतना कॉमन है, अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है सबसे पहले डॉक्टर के पास आपने जाना है, क्योंकि इलाज हो सकता है। एक सक्सेसफुल अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजर सकती है। नॉट ब्रेस्ट कैंसर मगर एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं वलिया नजीब, उनकी मदर ने अपनी पूरी जर्नी की, उनको कोई ट्यूमर था, उन्होंने पूरी अपनी जर्नी की जो है वो स्टोरी शेयर की है, एंड नाउ शी इज़ डूइंग ब्रिलियंटली, परफेक्ट उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, फॉलोअप के लिए जाती हैं। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एंड स्पीकिंग ऑफ विल लेट्स स्पीक अबाउट विल पावर। आपकी आधी बीमारी वहीं सही हो जाती है जब आप कहते हैं मैं सही हो सकता हूँ। मुझसे मेरी एक डॉक्टर कज़िन ने एक बात शेयर की थी कि एक बार उन्होंने आईसीयू में कोई पेशेंट था और उनके साथ जो आई हुई थी उनकी वाइफ, वो ज़्यादा परेशान नहीं थी मगर शी वॉज़ देयर।
तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों नहीं है, और लोग तो बिल्कुल घबराए हुए होते हैं जब वो आईसीयू में उनका कोई पेशेंट होता है. शी सेड दो चीज़ें होती हैं, एक वो जो आपके कंट्रोल में है, एक वो जो आपके कंट्रोल में नहीं है. जो मेरे कंट्रोल में है मैं कर रही हूँ, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है. वेल जनाब, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, और इससे ज़रूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा. आई होप आप सेफ रहें, हम सब सेफ रहें. अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के रोज़ एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.